जशपुर नगर निगम में राम शरण यादव मेयर नियुक्त हो गए हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। राम शरण ने जैसे ही मेयर का नामांकन फॉर्म भरा था, वैसे ही बीजेपी की ओर से दावेदारी खत्म हो गई थी। बीजेपी ने मेयर और सभापति के लिए कोई नाम नहीं दिया। राम शरण ने कहा कि वे शहर के विकास के लिए काम करेंगे। नामांकन का समय चल रहा है, इसलिए इस समय मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये जानकारी मेरे को आप लोगों के द्वारा मिल रहा है। ऐसे ये जनता को समझना चाहिए, इसलिए क्योंकि पिछले 15 साल से इनकी सरकार यहाँ पर थी, इन्होंने कभी भी क्षेत्र का विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में जो काम किया बिलासपुर में, आपने देखा इतना बड़ा जनादेश कांग्रेस को 68 सीटों का 69 सीटों का मिला है, पूरे प्रदेश में सरकार बनाई, और उसी आधार पर एक साल काम करते हुए जनता ने फिर से निगम में भी सरकार बनाने का अवसर जो है। हमारे साथ पार्षद से जीते हुए प्रत्याशी और अब महापौर बन चुके रामशरण यादव, कांग्रेस ने नाम तय किया और इसके बाद निर्विरोध ये निर्वाचित हो गए। क्या क्या प्राथमिकता रहेगी शहर को लेकर, उसका सबसे पहले किसको धन्यवाद देना चाहेंगे आप शहर के लिए? इस शहर के लिए सबसे पहली धन्यवाद ये है कि माननीय भूपेश बघेल जी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनके रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष थे तो भी मेरे को महापौर का टिकट दिए थे, आज भी मेरे को महापौर बनवाए हैं, और पूरी पूरी मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ और उनके बताए मार्ग में दिशा निर्देश पे इस शहर के विकास में काम कर। क्या प्राथमिकता होगी? बहुत सारी योजनाएं रुकी हुई थी हमारी, क्योंकि आप तो कैसे जो सड़क नाली पेंटिंग मूलभूत सुविधा के अलावा, क्या मूलभूत सुविधा के अलावा, चूंकि सरकार कांग्रेस की है छत्तीसगढ़ में, तो जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनका समीक्षा करके उसको शासन स्तर पे ले जा करके मैं उसमें काम शुरू करूंगा। ये जैसे बहुत सारी योजनाएं, जैसे खोदापुर के नाम से था, सीवरेज का काम अटका, लोग परेशान थे, कई दुर्घटना के शिकार है, अमृत मिशन योजना, ये अटकी योजना, सड़क नाली बिजली पानी, ये मूलभूत सुविधाओं को क्या कुछ समय सीमा तय करेंगे? हाँ, समय सीमा तय करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज ये स्थिति है कि मेरे को जानने की आवश्यकता है जो जो काम यहाँ है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसको जानने में थोड़ा समय लगेगा। क्या जवाबदेही तय करेंगे? जैसा कि अमूमन निगम में आम आदमी परेशान होता है, वो परेशानी दूर होगी क्या आम आदमी? उस परेशानी के लिए एक ऐसा प्लान करेंगे जिससे कि जनता को किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं हो, एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें लोग जाए और वहाँ पर काम आसानी से हो सके, ताकि समय सीमा रहे, काउंटरबद्ध काम हो और कर्मचारियों को समय में अपने ऑफिसों में, समय में काम में, पूरे समय में जनता के लिए भटकने की जरूरत ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करेंगे। महापौर से मिलने के लिए क्या समय रहेगा? 24 घंटा, आधी रात को भी किसी का फोन आएगा तो उठेगा, इसकी गारंटी। तो ये थे महापौर रामशरण यादव, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, और इनका ये मानना है कि 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे और जो योजनाएं बची हुई हैं, जो रुकी हुई हैं, उसको जानेंगे कि क्यों रुकी हुई है, और अधिकारियों को समय सीमा तय करेंगे और उनको बताएंगे कि वो अपने समय पर काम करें और ताकि जनता को किसी तरीके से परेशानी न हो। बिलासपुर से एक्सपोर्टर शैलेंद्र पाठक।